नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज जो देखने वाले हैं वो जाता है एनवायरमेंट का पार्ट नंबर 18। इससे पहले जो 17 पार्ट है आपने नहीं देखे तो बिल्कुल आप देख सकते हो कहां पर जाके हमारी प्लेलिस्ट में, या आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आपको जाना है डायरेक्टली इजीली। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको कहां देखने को मिलने वाली है, वह देखने को मिलने वाली है www.paperhacker.in। वहां पर जैसे ही आप बटन पर क्लिक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी इजीली। ठीक है, बात करते हैं, अगर चैनल के अंदर जा सकते हो तो चैनल के अंदर भी आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। जो आज का रहने वाला है 101 के आगे की ओर बढ़ेंगे और यूनिट नंबर जो 4 है उसे हम क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 5 आ जाएगी, उसको भी एक दो वीडियो में खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा जो एनवायरमेंट है वो पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग यहां पर आंसर देते हुए, सुनामी है, ये रिपीट क्वेश्चन है, सुनामी है नदी ज्वार, भूकंपीय समुद्री लहरें, या फिर अंतः समुद्री कटक जो होता है यह है, या फिर उच्च बादल का प्रकार। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सुनामी क्या है, सुनामी जो है वो हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय समुद्री लहरें हो जाती हैं। कौन आती हैं, भूकंपीय समुद्री लहरें यहां पर हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा रुकिएगा, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, ग्रीन हाउस गैस को व्यक्त किया जाता है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसे व्यक्त किया जाता है किससे, आपको बताना है। पहला दे रखा है तुम्हारा NH3 से, या फिर O2 से, या फिर C2F6 से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है कौन सा अपना हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस को व्यक्त किया जाता है, वह किया जाता है C2F6 से, किसे, C2F6, इसे क्या कहते हैं, हेक्साफ्लोरोइथेन। ठीक है, इसे कहते हैं हेक्साफ्लोरोइथेन। ठीक है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंजर भूमि विकास की सामान्य विधि है, जो बंजर भूमि विकास की सामान्य, बंजर भूमि को विकास करना मतलब उपयोगी बनाने के लिए जो सामान्य विधि हो जाती है वो कौन कौन सी होती हैं। पहला दे रखा है तुम्हारा उर्वरकों का प्रयोग, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, दोनों वी एवं सी। तो राइट आंसर क्या होगा, बंजर भूमि विकास की सामान्य विधि है। राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, बताइएगा भाई। बिल्कुल आपने सोचा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाता है। तो बंजर भूमि विकास की सामान्य विधि हो जाती है, उर्वरकों का प्रयोग भी हो जाता है और वृक्षारोपण भी हो जाता है। तो राइट आंसर दोनों के दोनों रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर अपना बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखा है संकटापन्न जातियों के लिए एक आसंस्थिति संरक्षण तरीका है, जो संकटापन्न जातियां हैं उनके लिए आसंस्थितिक संरक्षण तरीका जो हो जाता है वह कौन सा है, यह आपको बताना है। वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, या फिर निम्नलिखित ताप संरक्षण। राइट आंसर में बताना है कौन सा होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, यहां पर आंसर कौन सा रहने वाला है। बिल्कुल, तो बात करते हैं संकटापन्न जातियों के लिए एक असंस्थितिक संरक्षण तरीका जो हो जाता है वह हो जाता है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां देखा है कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता में, जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसमें जीवाश्म ईंधन के बाद उपयोग आने वाला जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वह कौन सा हो जाता है। सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ईंधन की बात कर रहा है, जीवाश्म ईंधन जो है उसके बाद कौन सा यूज होगा, कोयला वगैरह है, पेट्रोल है, ये सारे के सारे कैसे हो गए जीवाश्म में आ गए। अब यहां रखा है कि उनके बाद कौन सा होगा, सौर ऊर्जा होगा, नाभिकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, या फिर पवन ऊर्जा, तो उसके बाद होने वाला है अपना नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा, नाभिकीय ऊर्जा है ना, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय पर्यावरण समस्या है, तो क्षेत्रीय पर्यावरण समस्या कौन सी है मैं आपको बताना है। ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म ईंधन जलाना, या फिर मरुस्थलीकरण, क्षेत्रीय पर्यावरण समस्या कौन सी है। तो क्षेत्रीय पर्यावरण समस्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी मरुस्थलीकरण। ठीक है, क्योंकि मरुस्थल की बात यहां पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पर्यावरण की बात कर रहा है, क्षेत्रीय पर्यावरण समस्या कौन सी है, मरुस्थलीकरण ही है ना। अगर मरुस्थलीकरण देखने को मिलेगा तो वन वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि रेतीली मिट्टी जो होती है उसमें वन वगैरह नहीं पाए जाते। आगे बढ़ते हैं, यहां रखा है ऑडिट के अलावा, जो ऑडिट है उसके अलावा खतरनाक कचरा प्रबंधन की अन्य प्रबंधन रणनीति में यह शामिल है, क्या शामिल है यह आपको बताना है। जो ऑडिट के अलावा, ऑडिट के अलावा की बात कर रहा है, खतरनाक कचरा प्रबंधन की अन्य प्रबंधन रणनीति में यह शामिल है, कौन सा, जीवन चक्र विश्लेषण, आयतन घटन, या फिर अपना हो जाता है पुनर्चक्रण एवं पुनर्योजन।
या फिर ये सभी? राइट आंसर क्या होगा? इसको बात करते हैं ऑडिट के अलावा, जो ऑडिट है उसके अलावा खतरनाक कचरा प्रबंधन के अन्य प्रबंधन रणनीति में यह शामिल है, ये सारे के सारे शामिल हो जाते हैं। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कचरा प्रबंधन की समस्या दिन पर दिन जटिल होती जा रही है, क्योंकि क्यों जटिल होती जा रही है? कचरा प्रबंधन के लिए कार्यरत अप्रचलित तकनीकी देखने को मिल रही है, यहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या देखने को मिल रही है, या फिर ठोस कचरे के निपटने के लिए अपनाए गए गंदे जो तरीके हैं वह देखने को मिल रहे हैं, यहां पर उपयुक्त सभी देखने को यहां पर मिल रहा है। तो कचरा प्रबंधन की समस्या दिन पर दिन जटिल होती जा रही है, क्योंकि क्योंकि कचरा प्रबंधन जो है उसके लिए अपर्याप्त अप्रचलित तकनीके जो तकनीकी हैं वो अपनाई जा रही हैं, तथा बहुत बड़ी जनसंख्या आपको देखने को मिल रही है, ठोस कचरे के निपटने के लिए अपनाए गए गंदे जो तरीके हैं वो भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सरकार की ओर से कोई भी कठोर कदम की बात करते हैं वह नहीं उठाया गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं टाइम टेकिंग हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। यहां रखा है आवासीय और वाणिज्यिक कचरे में क्या होता है, जो आवासीय और वाणिज्यिक कचरे जो हैं उनमें क्या होता है आपको बताना है। खाक कचरा, कार्डबोर्ड गत्ता, या फिर अपना हो जाता है पैकेजिंग सामग्री, ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? आवासीय और वाणिज्यिक कचरे में क्या होता है? देखो वहां पर आवासीय में आपको खाक कचरा भी देखने को मिलेगा, पैकेजिंग सामग्री भी देखने को मिलेगी, और आखर बोर्ड जो गत्ता वगैरह है वो भी आपको वाणिज्यिक में देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दे रखा है अपना, यह एक ओजोन क्षयकारी गैस है, ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है ये आपको बताना है। CFC-11, CFC-12, N2O, या फिर ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? यह एक ओजोन क्षयकारी गैस है। आपको पता है जो अपने रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं उनमें से गैस निकलती है जो ओजोन छड़ के लिए उत्तरदायी होती है ना। तो बात करते हैं कौन सी निकलती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहां पर देख सकते हो फर्स्ट वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 है, दूसरा देखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 है ना। दोनों की दोनों गैसें यहां पर क्या है, ओजोन क्षयकण है, और यहां पर N2 नाइट्रस ऑक्साइड जो हो जाती है ये भी क्या करती है, ओजोन का क्षय करती है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, भोपाल गैस लीक हादसा हुआ था, इसमें कौन सी जो पहले बात करते हैं भोपाल, ठीक है, भोपाल है कहां पर? तो भोपाल अपना हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर है भोपाल? है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं भोपाल गैस लीक हादसा हुआ था, इसमें गैस कौन सी लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हुई थी, है ना। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या हुई थी, इसमें लीक हुई थी। भोपाल कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कब हुई थी ये पूछ रखा है आपसे, 1981, 1984, 1986, 1988। तो आपको मैंने बता रखा है कैसे पढ़ेंगे आप, डायरेक्ट जो लास्ट वाला है उसको पढ़िएगा ध्यान से। देखो बात करते हैं, अगर हम पढ़े 88 नहीं आएगा, यहां देखो 86 बिल्कुल नहीं, यहां देखो 81 बिल्कुल नहीं, यहां देखेंगे छोरा, कोई छोरा है ना, यहां कौन है, कोई छोरा है, छोरा से कह रहे हैं छोरा सी, देख भाई कहां सी की आवाज आ रही है ना, कहां सी की आवाज आ रही है। तो छोरा सी कहां मिलेगा, 1984 में। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सी की आवाज कहां से आ रही है, छोरा देख। ठीक है, तो ये ट्रिक हमारी हो जाती है तो आराम से मैं याद भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखा है मृदा संरचना संबंधित है, जो मृदा की संरचना है वो संबंधित है किससे, वृक्षारोपण से, जुताई से, उर्वरक प्रयोग से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा फटाफट देखिएगा, मृदा संरचना संबंधित है, मृदा की संरचना मतलब उसे इकट्ठा करना, है ना, वही बात यहां पर हो रही है, मृदा की संरचना करना या फिर उसका निर्माण करना या इकट्ठा करना, निर्माण करना कह सकते हैं कि मृदा का संरचना करना या फिर निर्माण करना कैसे होगी, जुताई से होगी बिल्कुल नहीं। जुताई से मृदा अपरदन देखने को मिल सकता है, क्योंकि धूल के द्वारा क्या होगी, मृदा जो होगी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी। ठीक है, वृक्षारोपण करके, उर्वरक का प्रयोग करोगे क्या मृदा संरचना होगी, बिल्कुल नहीं। ये क्या होगी, एक प्रकार से ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करते रहोगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, हानि देखने को मिलने वाली है उर्वरकता में। और बात करते हैं वृक्षारोपण, बिल्कुल सही, अगर वृक्षारोपण होगा तो पेड़ पत्तियां के जो पौधे होते हैं, ठीक है, वह सड़ेंगे गलेंगे और क्या होगी, मृदा की संरचना हो जाएगी। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति किस संबंधित है, फसल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन हो जाते हैं,
डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाते हैं। रेखा हरित क्रांति संबंधित है, तो आपको पता है किससे है, ये फसल उत्पादन से हो जाती है और सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया था, गेहूं पर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखा पर्यावरण प्रदूषण प्रभावित करता है, जो पर्यावरण प्रदूषण है वह प्रभावित करता है किसको, जानवरों को, पौधों को, मानव को, ये सभी को। पर्यावरण प्रदूषण प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है ये आपको यहां पर बताना है। तो पर्यावरण प्रदूषण को जानवरों को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा। पौधों को करेगा, बिल्कुल करेगा। भाई पौधों पर धूल वगैरह जमेगी, पत्तियों पर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, वो पेड़ कमजोर हो जाएंगे। उसकी बात कर इसका जो प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं, वहां पर कम हो जाएगा, उसके पौधे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। मानव को बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रीन ग्रह दूसरा नाम है, जो ग्रीन ग्रह है दूसरा नाम क्या है, ग्रीन ग्रह। तो ग्रह टोटल कितने हैं भाई, 9 ग्रहों को मान्यता दे दी गई है, ठीक है। तो टोटल ग्रह कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। कौन कौन से होता है इनको देख लो, सबसे पहले होता है सूर्य, उसके बाद हो जाता है बुध, ठीक है। उसके बाद अपना कौन आएगा, शुक्र। उसके बाद कौन आएगा, पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, मंगल। उसके बाद होगा बृहस्पति। उसके बाद होगा शनि। उसके बाद होगा अरुण। उसके बाद होगा वरुण। उसके बाद होगा यम, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भाई हमारे हो जाते हैं, बात करते हैं यम शुक्र और बुध के, सॉरी यम शुक्र और बुध के, इनका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहां देखा है ग्रीन ग्रह दूसरा नाम है किसका, तो वह हो जाता है पृथ्वी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रखा है मेघा पाटेकर संबंधित हैं, जो मेघा पाटेकर हैं वह संबंधित है किससे। पहला दे रखा है तुम्हारा हरित कैंपेन से, दूसरा डब्ल्यू डब्ल्यू एफ भारत से, चिपको आंदोलन से, नर्मदा आंदोलन से। तो यहां पर बताना है कौन सा राइट होगा, मेघा पाटेकर। तो याद कैसे करेंगे, मेघा, मेघा मतलब क्या होती है, बारिश, और बारिश बरसेगी तो कहाँ जाएगी भाई, नदियों में, और नदी का नाम एक ही रखा है नर्मदा, ठीक है। तो यहां पर याद आपको हो जाएगा, नर्मदा आंदोलन से संबंधित हो जाते हैं। तो मेघा पाटेकर संबंधित किससे हैं, नर्मदा आंदोलन से संबंधित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रखा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, हम कहाँ निवास करते हैं, चाइना कहाँ निवास करती है ना। तो चाइना और जो भारत है वो कहाँ पड़ता है, सबसे टॉप पे कौन है, चाइना। अब तो हमारा भारत हो जाएगा टॉप पर, ठीक है। तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो राइट आंसर क्या होगा, देखा है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो हो जाएगा वो एशिया हो जाएगा, इसमें हम पढ़ते हैं और चाइना ही पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में पृष्ठीय ओजोन को, जो पृष्ठीय ओजोन है कि प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, परिवहन क्षेत्र, प्रशीतन और वातानुकूलन, फिर रखा है बैटलेंट्स या फिर उपयुक्त उर्वरक। तो यहां पर राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। निम्नलिखित में पृष्ठीय ओजोन की यहां पर बात हुई, पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित जो विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है, वो हो जाएगा शीतलन और वातानुकूलन। क्योंकि आपको पता है शीतलन किसका यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं ना, जो एसी वगैरह इनको यूज करते हैं, तो इनसे क्या होती है, सीएफसी गैस रिलीज होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे क्या होता है, ओजोन क्षय होता है। तो भाई यहां पर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रखा है वन विनाश का कारण है वर्षा, मृदा अपरदन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी। वन विनाश का कारण क्या हो सकता है भाई, वर्षा, मृदा अपरदन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी। राइट आंसर क्या होगा भाई, आपको पता है वन विनाश वर्षा से हो सकता है, बिल्कुल सही। अपरदन होगा, ढह जाते हैं ना पेड़ की पेड़, बिल्कुल सही। तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद करते हैं मृदा अपरदन, बिल्कुल मृदा अपरदन होगा तो पौधे क्या होंगे, कमजोर हो जाएंगे और सूख जाएंगे। उसके बाद करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, अगर ज्यादा हो जाएगी तो पानी से क्या होगा, पौधों से पानी ज्यादा मात्रा में उड़ जाएगा, तो ये भी यहां पर देखने को मिल जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा तब, ठीक है। तो यहां पर तो राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है भूस्खलन होता है मैदानों में, पहाड़ियों पर, पठारों पर, तटीय मार्गों में, तो भूस्खलन की बात कर रहा है कहां होता है, आंसर देखिएगा फटाफट। तो भूस्खलन कहां होता है भाई, पहाड़ियों पर देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं तो आपको पता है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पहाड़ वगैरह खिसक जाते हैं ना, तो वही हमारा हो जाता है भूस्खलन। यहां रखा है प्रदूषित पानी को इसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, प्रदूषित पानी को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, ये आपको बताना है, सूक्ष्म जीव, मछली, लाइकेन, ये सभी।
तो प्रदूषित पानी को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो वह किया जाता है लाइकेन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेड डाटा बुक में होती है, जो रेड डाटा बुक है उसमें क्या होती है? इमारती काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, विलुप्त जो होती जातियां होती हैं वह पार्थिक पौधे होते हैं, भोज्य पौधे होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? रेड डाटा बुक में होता है। आपको पता है रेड डाटा बुक क्या है? इसमें विलुप्ति पे कगार पे जातियां होती हैं उनको रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलुप्त होती जातियां। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण संकट का सबसे बड़ा कारण है, पर्यावरण का संकट का सबसे बड़ा कारण कौन सा है वो आपको बताना है। औद्योगिकरण, जनसंख्या समृद्धि, नगरीकरण, वन विनाश। राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण संकट का सबसे बड़ा जो कारण हो जाएगा वह कौन हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात में, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है भूमंडलीय ताप वृद्धि, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता, मृदा प्रदूषण। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होगा? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होगा? तो आपको पता है हरित गृह प्रभाव में क्या देखने को मिलता है? ताप में वृद्धि हो जाती है, तो भूमंडलीय ताप में वृद्धि देखने को मिल जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां रखा है विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है। विश्व में जो खाद्य समस्या होती है उसका मूल कारण क्या होता है? वन विनाश, मृदा अपरदन, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदा। राइट आंसर क्या होगा? विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है। खाद्य समस्या, खाने की समस्या का मूल कारण क्या होगा? भाई जनसंख्या वृद्धि होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की आवश्यकता नहीं होती? आपको पता है समस्या नहीं होती, वह नहीं होती है सौर में। आगे बढ़ते हैं, देखा है यह एक विषाणु जनित बीमारी है। तो विषाणु जनित बीमारी कौन सी है आपको बताना है? टीबी, हैजा, एड्स, निमोनिया। राइट आंसर क्या होगा? यह एक विषाणु जनित बीमारी है। तो विषाणु जनित बीमारी कौन सी है वह आपको बताना है, वह हो जाएगी अपनी हैजा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां देखा है ध्वनि प्रदूषण में सॉरी ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न रोग है अस्थमा, उच्च रक्तचाप, पीलिया, हैजा। तो ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न रोग कौन सा है वह आपको बताना है। अस्थमा होता है? बिल्कुल नहीं। पेलिया, हैजा, उच्च रक्तचाप। बिल्कुल सही। यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में भारत के वानस्पतिक क्षेत्र के प्रतिशत को लेने का लक्ष्य रखा है। कितने प्रतिशत वानस्पतिक कह सकते हैं एक प्रकार से वृक्ष होने चाहिए क्षेत्रफल पर, ठीक है, भारत के? वह आपको बताना है लक्ष्य कितना परसेंटेज रखा गया है। 32%, 25%, 34%, 33%। अगर बात करते हैं विश्व की तो विश्व में भी वही है जो भारत में है, ठीक है, जो भारत में है। तो यहां बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अनुसार भारत में वनस्पति क्षेत्र प्रतिशत को लाने का लक्ष्य रखा गया है, वो रखा गया है 33%, चाहे भारत की बात करें चाहे विश्व की बात करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा वन घनत्व किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है, तो वह अपना हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा घनत्व पूछ ले तब, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। और यही पूछता है सबसे ज्यादा क्षेत्र पर, तो वो अपने कहाँ हो जाएंगे? मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी है। दोनों के दोनों आपको याद हो गए। आगे बढ़ते हैं, यहां देखा है DDT है, इसके फुल फॉर्म आपको बता रखी है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर देना है। DDT है क्या? है एक एंटीबायोटिक, एक नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषक, या फिर डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम, या फिर एक उर्वरक। राइट आंसर बताना है क्या होगा? DDT है। DDT है क्या? यह हो जाती है एक नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषक, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां रखा है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है कौन सा है? वायु प्रदूषण करने वाली CO2 की मात्रा में वृद्धि, वनों का कटान, या फिर वायु प्रदूषण करने वाली SO2 की मात्रा में वृद्धि, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है वह कौन सा हो जाता है? देखो वायु प्रदूषण में CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही। वनों का काटना, बिल्कुल सही।
वायु प्रदूषण करने वाले SO2 की मात्रा में वृद्धि, बिल्कुल सही। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण ये सभी देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है एरोसोल है, जो एरोसोल है वह क्या है, तरबूज, लेटेक्स, धुआं या फिर चकमक पत्थर, राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। एरोसोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एरोसोल डैश है, एरोसोल है क्या, एरोसोल जो है वो एक धुआं है, क्या है, धुआं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको 99% देखने को एग्जाम में मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, रणथंभौर राष्ट्र उद्यान है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रणथंभौर आपको याद पर है कि रण, देखो याद करते हुए चलेंगे हम, रण की बात करते हैं, रण मतलब क्या होता है, जहां पर राजा महाराजा लड़ते थे, है ना, कहते हैं रण में जा रहे हैं लड़ने के लिए, बिल्कुल। रण में कौन जाते हैं भाई, राजा, और राजा कहां मिलेगा, राजस्थान, राजा का स्थान। तो रणथंभौर राष्ट्रधन कहां पे है, राजस्थान में। आगे बात करते हैं, चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। चिल्का झील, चील क्या करती है, उड़ती है, तो उड़ने का वर्ड कहां देखने को मिलेगा, उड़ीसा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी भाई, सॉरी ए हो जाएगी, चिल्का झील स्थित कहां पे है, उड़ीसा में। चील क्या करती है, उड़ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है कि जनफगड़, ठीक है, जनफगड़ पक्षी विहार है, जनफगड़ पक्षी विहार कहां पर है यह आपको बताना है, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। जनफगड़ पक्षी विहार कहां पे है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर देखा है जन, जन मतलब क्या होते हैं, लोग, ठीक है, जन, जन सभा भी कह सकते हैं, ठीक है, जनफगड़, सही, आप याद कर लीजिएगा, यह प्रकार से यहां पर याद कर सकते हो। यहां पर आपको देखने को मिलेगा गढ़, यहां देखने को क्या मिलेगा, गढ़, और गढ़ भाई कौन जीत लेता है, गढ़ जो होता है वो कौन जीत लेता है भाई, हरियाणा के लोग, है ना, आपको पता है जो हरियाणा के लोग होते हैं वो कहते हैं कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, लंबे चौड़े, आपको पता है सरदार जो होते हैं कैसे होते हैं, तगड़े बड़े होते हैं ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से याद आपको रहेगा कि जनफगड़, तो गढ़ कौन जीतते हैं भाई, जो बड़े बड़े लोग होंगे, मतलब हरियाणा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो, हरियाणा के बेटी ने, ठीक है, यूपीएससी टॉप किया है, तो इस प्रकार से आप याद इसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, याद रखा है थाल झील है, जो थाल झील है वो कहां पर है आपको बताना है, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। थाल झील है, थाल झील कहां पर है ये आपको यहां पर बताना है, फटाफट कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल। थाल झील है, थाल झील कहां पर है, तो थाल झील की बात करते हैं, ये अपनी हो जाती है कहां पर, महाराष्ट्र, ठीक है। थाल झील कहां हो जाती है, महाराष्ट्र में। अब याद कैसे करेंगे, थाल मतलब कर देना थल, और थल सेना क्या करती है, या तो मारती है या मरती है, तो इस प्रकार से महाराष्ट्र याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है बांदीपुर राष्ट्र उद्यान है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में। तो बांदीपुर राष्ट्र उद्यान कहां पर है ये अपने हो जाता है कर्नाटक में। कैसे याद करेंगे भाई, किसी को बांध दिया है, क्या कर दिया है, बांध दिया है, और वो बिना किसी के खोले खोल देता है, तो क्या करोगे आप, समझोगे हाँ भाई ये नाटक दिखा रहा है ना, तो कर्नाटक। इस प्रकार से याद हो जाएगा कि बांदीपुर राष्ट्र उद्यान कहां पर है, कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा है निम्नलिखित संकटापन्न जातियां हैं, तो संकटापन्न जातियां कौन सी हैं आपको बताना है, गीज, स्वान, एशियाटिक शेर या फिर उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित संकटापन्न जातियां हैं, देखो बात करते हैं गीज, ये भी क्या है, एक संकटापन्न जाति है। स्वान की बात करते हैं, ये भी संकटापन्न है, ये तो हमने देख भी रखा है, ठीक है। और बात करते हैं एशियाटिक से, ये तो सभी को पता है, सिर्फ गीज आपको याद रखना है, गीज को याद कर लीजिएगा, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़े शहरों में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, जो बड़े शहर हैं उनमें प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है, ऑटो गाड़ियां, कीटाणुनाशक, उद्योग या फिर रेडियोधर्मी पदार्थ। तो आपको बताया बड़े शहर में क्या चलते हैं, आता ऑटो गाड़ियां चलती हैं, वह क्या होती हैं, प्रदूषक का सबसे बड़ा कारण होती हैं या स्रोत होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखा लाउडस्पीकर कारण है डैश का, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो लाउडस्पीकर से क्या होता है, ध्वनि निकलती है, तो क्या प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तेल से उत्पन्न हुई आग से, ध्यान रखना, तेल से उत्पन्न हुई आग से किसके नियंत्रण नहीं किया जा सकता, किससे नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तेल से उत्पन्न हुई, इनमें से तेल से उत्पन्न हुई क्या हुई है, आग, तेल में लगी है आग। अब ये कह रहा है किससे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, पानी से, रेत से, तेल से,
इनमें से कोई नहीं। तो तेल से तो करेंगे ही नहीं, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तेल से उत्पन्न हुई आग, तेल से अगर आग लग रही है तो पानी भी डाल के आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि कढ़ाई में आपने पानी डालते हो तो आग लग जाती है ना, मगर रुकती नहीं है जब तक तेल खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद करते हैं रेत, तो रेत भी डालने से खत्म नहीं होगा। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होते हैं? पौधे, प्लास्टिक, साबुन, उपयुक्त सभी। देखो बात करते हैं साबुन, साबुन ऐसा नहीं बनाया जाता है जो कि मृदा प्रदूषण करे। ठीक है, क्योंकि लाइव में सर्च करके ही बनाया जाता है, बना ऐसे मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो साबुन इस प्रकार से मृदा प्रदूषण नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। पौधे ही मृदा प्रदूषण नहीं करते हैं, और प्लास्टिक, प्लास्टिक बिल्कुल करती है भैया ना, प्लास्टिक गलती नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण जो हो जाता है वो हो जाता है प्लास्टिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है। पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, औद्योगिक प्रगति, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या हो जाएगा? भाई पृथ्वी का तापमान है, क्षोभ मंडल का तापमान कैसे बढ़ेगा जब ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पर्यावरण प्रदूषण प्रभावित करता है डैश को। पर्यावरण प्रदूषण जो है वो प्रभावित करता है किसको? आपको बताना है पशुओं, पौधों, मनुष्यों, उपयुक्त सभी को। तो राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण प्रभावित करता है, पशुओं को करेगा? बिल्कुल करेगा। पौधों को करेगा? बिल्कुल करेगा। मनुष्यों करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे को चपेट में सर्वाधिक रहता है? सूखे की चपेट में सर्वाधिक कौन सा राज्य रहता है, आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सूखे के चपेट में सबसे ज्यादा कौन रहता है, ये आपको यहां पर चूज करना है। तो वह रहता है भाई छत्तीसगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहां देखा है हरा भारत कैसे बनाया जा सकता है। जो हरा भारत है वो कैसे बनाया जा सकता है? सोशल फॉरेस्ट्री द्वारा, वन महोत्सव द्वारा, वृक्षारोपण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? हरा भारत कैसे बनाया जा सकता है, ये बना सकता है सोशल फॉरेस्ट्री द्वारा। किसके? सोशल फॉरेस्ट्री द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां रखा है कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? कोल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो आपको पता है वह करता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन होता है? मीथेन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है कौन सी गैस प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती? SO2, NO2, CO2, CO। कौन सी गैस प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है, यह आपको यहां पर बतानी है। देखो बात करते हैं SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों की दोनों क्या करती हैं? आपको पता है अम्लीय वर्षा में उत्तरदायी होती हैं। यही बात करते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये भी क्या करती है? O2 के साथ प्रदूषण फैलाती है मिलकर, ठीक है, क्रिया करके O2 के साथ। तो यहां बात करते हैं कौन सी गैस प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती, तो वह अपनी हो जाती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, विलुप्त प्राय पौधा है। विलुप्त प्राय पौधा कौन सा है? बबूल, सर्पगंधा, मक्का, जामुन। तो विलुप्त प्राय पौधा कौन सा है? देखो बबूल देखने को मिलता है ना, बिल्कुल देखने को मिलता है, मक्का का पौधा और जामुन का, तीनों के तीनों आपको मिलते हैं, मगर जो सर्पगंधा है वो नहीं मिलता है, यही क्या है? विलुप्त प्राय पौधा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखा है यातायात से संबंधित आपदा है। जो यातायात है उससे संबंधित आपदा कौन सी है? रेल दुर्घटनाएं, अपराध, आग, हड़ताल। राइट आंसर क्या होगा? यातायात से संबंधित जो आपदा है वो हो जाएगी रेल दुर्घटना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन पारिस्थितिकीय संकट के लिए उत्तरदायी नहीं है? अम्ल वर्षा, बाढ़, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन पारिस्थितिकीय संकट के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पारिस्थितिकीय संकट के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है, यह आपको बताना है। पारिस्थितिकीय संकट के लिए उत्तरदायी नहीं है अम्ल वर्षा, बात करते हैं पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा। अम्लीय वर्षा होगी, खेत बंजर होंगे और पेड़ पौधों क्या होगा? विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहां पर भी एक पारिस्थितिक संकट देखने को मिलता है।
बाढ़ तो आपको पता ही देखने को मिलती है और सुनामी लहरें भी। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये बुक में थोड़ा सा गलत दे रखा है, अम्ल वर्षा दे रखा है, मगर अम्ल वर्षा से भी पारिस्थितिक संकट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बुक में गलत दे रखा है, देख लीजिएगा एक बार। अगर बुक आप पीडीएफ अगर लेते हो ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर लगा लेना है 151, ठीक है, जो 4 यूनिट है उसको देख लेना ध्यान से, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अम्लीय वर्षा, आगे बढ़ते हैं। भूमि पर बहते हुए पानी की रेल पेल क्या कहलाती है? तो भूमि पर पानी बहता है उसका रेल पेल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सुनामी, बाढ़, या फिर साइक्लोन, या फिर टाइड? राइट आंसर क्या होगा? तो भूमि पर बहते हुए पानी की जो रेल पेल होती है उसे कहते हैं बाढ़। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कृषि मिट्टी कौन सी गैस छोड़ती है? जो कृषि मिट्टी है वह कौन सी गैस छोड़ती है? CH4, N2O, CO2, OCO। तो राइट आंसर क्या होगा? कृषि मिट्टी कौन सी गैस छोड़ती है? भाई N2O छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी? N2O, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक जो है वो है क्या? विलुप्त प्रजातियों की सूची है, हानिकारक रसायनों की सूची है, ओजोन क्षयकारी पदार्थों की सूची है, ग्रीन हाउस गैसों की सूची है। राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा भाई कौन सा होगा बताइएगा फटाफट। रेड डाटा बुक में क्या होता है आपको पता है? लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है, हानिकारक रसायनों की सूची है, ओजोन क्षयकारी पदार्थों की सूची है, या फिर ग्रीन हाउस गैसों की सूची है। तो यहां पर रेड डाटा बुक जो है उसमें क्या देखने को मिलता है? विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची देखने को मिलती है। रेड डाटा बुक जो हुई थी प्रकाशित कब हुई थी, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो वह प्रकाशित हुई थी 1948 में। कब? 1948 में। से याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। रेड बुक में लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है और 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन कौन करता है यह भी आपको याद होना चाहिए। तो वह करता है IUCN। हाँ ठीक है, IUCN प्रकाशित करता है। कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, तो यहां पर ऑफ नेचर, तो यहां पर जो आपका बन जाता है, ठीक है, IUCN इसे प्रकाशित करता है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है। तथा इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1948 में। दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए साथ इसके। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर यूनिट नंबर 4 को देखेंगे। यूनिट नंबर 4 में क्या देखने को मिलेगा इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो हमारा आया था 1986, विभिन्न प्रकार के संगठन और उसकी संस्था जो थी उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। और बात करते हैं विभिन्न फर्स्ट देखा है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, निर्देश और जो भूमिका है उसके बारे में। और दूसरा देखा है सामाजिक पर्यावरण, जैसे HIV हो जाती है, ठीक है, HIV हो जाता है, तंबाकू कैंसर हो जाता है, स्त्री और पर्यावरण इत्यादि के बारे में यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स 5 यूनिट की ओर जल्दी हम बढ़ने वाले हैं और 1 से 2 पार्ट्स हमारे और बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कह सकते हैं इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो भाई लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपके घर पे पहुंचना है। ठीक है, तो फ्रेंड जय हिंद जय भारत। और नोट्स डाउनलोड करना है तो बिल्कुल, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे? www.paperhacker.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।